जी 10:20 होने वाली है। हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी, हेल्दी, एंजॉयिंग वेयरएवर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई 17 जनवरी हो चुकी है और आज के दिन 8 साल पहले सारिका जब उठी थी तब मम्मी ने क्या बोला था वो आज याद करेंगे। और उससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं। हमारे घर पे आए हैं रेडिश, ये है ना आबू से आए हैं स्पेशली, और ये मूड़ा बोलते हैं, बाजू में वसंत बा ने दिए हुए हैं। आज सलाड में हम ये खाएंगे। ओके, तो आपको याद है कि आपने यहाँ पे आने के बाद 17 जनवरी को क्या किया था? शादी वाला घर होता है तो क्या है, सब कुछ इधर उधर फेल के रख हो जाता है, तो वो सब ठिकाने किया था। और मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई थी तो मम्मी सो रहे थे, वो भी मुझे याद है। और दूसरे दिन लड़की को तेड़ने आते, उसको ढक तेड़ने बोलते, ढक बोलते हैं। हाँ, और यस, हमारी शादी में हर एक शादी में मिस्टेक रहती है, तो हमारी शादी में मिस्टेक रही थी। हम रात को उकड़ी उठाना भूल गए थे, तो सुबह 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 बाजू वाले मासी ने याद किया, याद दिलाए। बाद में मैं और दीदी उकड़ी उठाने के लिए गए थे। हम लोगों को आता नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा बहुत सीखा और मजा। पापा अभी सवेरे से लगे हुए हैं कनिष्क के साथ। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार, आज का सुविचार है, जब दर्द और कड़वी बोली मीठी लगने लगे तब समझ लेने का कि जीना तरीका आ गया। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। दर्द और कड़वी बोली, कड़वी बोली, अगर आपको अच्छी लगने लगे, मीठी लगने लगे, तब आपको जीना आ गया है। तो इग्नोर करना सीखो, जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना अपने एंजॉयमेंट करो। बहुत बढ़िया सुविचार। 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है राम भगवान का, उसके लिए बहुत सारी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है पूरे भारत में, लेकिन मैं भारत में ही नहीं होऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है, मुझे पता नहीं था वो डेट, और जब वो बुकिंग हुआ था फ्लाइट का और वो सब, तो मेरे ध्यान भी नहीं रहा। कल रात को जो सैंडविच बना था वो अभी मशीन साफ हो रहा है। स्पेशल थैंक्स टू सारिका, और बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत बड़ा मतलब आप गिन ना सको उतना बड़ा थैंक्स टू एवरीवन हु विश्ड अस। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेस भेजी, हैप्पी एनिवर्सरी किया, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, आपकी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे दुआएं दी। तो गाइस थैंक यू सो मच, सबको दिल से थैंक यू सो मच। या और यस, मैं और जयदीप एक दूसरे के लिए बने हैं, बहुत लोगों ने बोला, तो यस यही है। हर बार जयदीप का वो कोकरा निकालती रहती है, लेकिन क्या है, जयदीप थोड़े है ही ऐसे नटखट, लेकिन इतने अच्छे भी है कि हम लोग ज्यादा तो तारीफ करते नहीं, लेकिन आज सोचा कर ही देते। रोवा नहीं मड़ती वो के बहुत ही अच्छे हस्बैंड है, के बहुत सारी लड़कियों के ड्रीम हस्बैंड ऐसे होंगे शायद। एम बॉय नहीं, आई डोंट बिलीव इट। कभी कभी वो आप कर देते हैं, इसीलिए आई डोंट बिलीव इट। बहुत ही ज्यादा, अगर आप मेरे से सहमत हो तो कमेंट करके बता। बहुत नहीं नहीं, माखन नहीं मारने का, अभी खाया बटर के ऊपर लगा के तारीफ करिए, एटले इनाम, एटले तुम्हारी तारीफ न कराए। नहीं नहीं, थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। यूजुअली क्या होता है कि हम कोई भी वीडियो रखते हैं ना, तो पहला 2-3 घंटे में हम लोग जो, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है ना, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो का ऐसे वेट करके बैठे होते हैं कि 8:15 बजे आए और देखे, तो स्पेशल जो स्टार्टिंग में ही आके जब कमेंट करने लगते हैं ना, तो वो धर 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 गिरने लगते हैं ना, तो मैं सारिका मम्मी सब लोग ऐसे पढ़ रहे होते, हालांकि हम डिनर भी करते होते, तो साथ ही साथ वो, तो स्पेशल पहले थैंक्स टू उन लोगों को, और फिर पहले थैंक्स टू उन लोगों को जो नए कमेंट करने वाले हैं, तो सबको मतलब एवरीवन और ओवरऑल थैंक यू सो मच। और आज के कमेंट में जयदीप की तारीफ कर दीजिए। नहीं, मेरी तारीफ मत कीजिए। ना ना कर दीजिए, नहीं मेरा इतने फूल बांध दिए, शायद मुझे पता भी नहीं है मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी तारीफ आ गई। तू तो बहुत अच्छो, तू तो बहुत बढ़िया है, तेरा तो ऑलराउंडर है, तेरे को देख के कितनी लेडीज इंस्पायर होती है पता है। आपको आपको भी देख के बहुत लोग में से आलस थोड़ी सी मेरे को देख के सीखने वाली ऐसे कुछ नहीं है, सब लोगों में से सब कुछ जाने का। जयदीप के लाइफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिला, नहीं खुश रहेंगे, किसी का कुछ नहीं सोचना है, अपनी लाइफ अपनी तरह से एंजॉय कर, वो सीखने के बाद, ऐसा नहीं है सबकी लाइफ में सब सीखना है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। वैसे बहुत अच्छे हस्बैंड भी है, बेटे भी है, और पापा भी बनने भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक सक्सेस भी है। ए मैं पापा अच्छा ही हूँ। ए कानूडी क्या डाल रहा है मुंह में? पापा आप अच्छे ही है, लेकिन क्या होता है, बच्चे जब रोए ना तब जयदीप को बहुत वो हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो अभी धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मजा आ गया। चलिए एनीवे, आज दोपहर को लंच में क्या है? जो कल वेजिटेबल सैंडविच बनाई थी ना, तो वेजिटेबल्स वो कटी बहुत सारे, तो मैं सोच रही हूँ वो वेजिटेबल्स अभी अच्छे, तो दोपहर को वेजिटेबल पराठे बना देते। ओके, और गाइस बताना चाहते हैं कि सारिका परफेक्टली फाइन हो चुकी है ऊपर से नीचे तक, नो ताव नो नथिंग।
ये वाला जो है ना वो थोड़ा सा है, तो कल जाना है श्रीमद में, कल तो श्रीमद है ओहो, लाला की वाइफ का श्रीमद आरती का बेन के मार पापी थे होता है खाली आरती आरती का श्रीमद है ठीक है। तो कल सोच रहे साड़ी पहनू या ड्रेस पे, साड़ी पहनेंगे तो लिपस्टिक कहाँ लगाएंगे, लिपस्टिक तो हाँ कहाँ लगाएंगे, नहीं लगाने का, तेरे को कौन बोलता है कि लिपस्टिक लगा, तो अभी ये जो है ना वो अभी वो पूरा निकल नहीं रहा है, देखते हैं अभी क्या करते हैं, जो भी है वंस अगेन आपके हिसाब से मैं क्या पहनूं, तो मेरे हिसाब से तो तू प्लाजो पहन के आ, ड्रेस पहन के ऐसे कंफर्टेबल बैठने का उठने का, कनिष्को दुनिया का मंडा लिया ना, फिर डांस मत करवाना जय एनीवे साड़ी पहन, साड़ी बढ़िया लगेगा, साड़ी पहन अच्छा से बताओ, मैं कुर्ता पहनूंगा तू साड़ी पहन, कुर्ता साड़ी चकाचक। ये कुर्सियां बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, मेरे को ऐसा लगता है कुर्सी नई लेनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है? नहीं अभी तो बराबर है, अभी बराबर नहीं है वो बराबर। थोड़ा ऐसा धूप की वजह से वो हो गया है, नहीं तो वो तो चलेगा, नहीं चलेगा पापा चलेगा, नया ले लो ले लूंगा, टाइम आने दो, टाइम आने दे ले लेंगे। और ये देखो गाइज, हम बलेनो लिया था ना तब का फोटो अभी मिला है, तो ये बहुत चाका जाम। चलिए गाइज, तो मम्मी आ चुके हैं बहुत बढ़िया से फ्रूट्स लेके, मम्मी हमारी शादी हो गई थी उसके बाद आज 17 जनवरी है, तुझे पता है शादी के दूसरे दिन क्या हुआ था, तुझे याद है? हाँ, मैंने माथा चढ़ी था, माथा चढ़ी तो तूने सारिका को क्या बोला था बनाने को रसोई में, रसोई में तो जो बनाना है बना रहा था, मैं खड़े हो पाऊ तब बोलू ना हाँ बराबर से, बराबर से हाँ। लापसी बनाने का नहीं बोला था, बोला था हाँ, लेकिन वो सुंदर भाभी था ना, सुंदर भाभी थे हाँ, हाँ। दोनों मिलकर बनाया था, बहुत बढ़िया हाँ। तो बहुत अच्छा रहा हमारा शादी का वो टाइम हाँ। रोकड़ी भूल गए थे, उकड़ी उठाड़वानी हाँ। भूल गया ना, तो पछ बीजे दी सवार उठाड़िए, यस यस, तो ये हुआ था, एटले बीमार पड़ी गया, एटले बधु रही गयो, तो थाई गयू शादी हो गया हाँ, हो गया। चलो तो अभी आज का क्या प्रोग्राम है? आज तो कहीं नहीं, कल श्रीमत में जाना है, तैयारी करने का है गाइस, बहुत बढ़िया सी आपको दिखाएंगे कि श्रीमत विधि हमारे यहाँ पे फैमिली में कैसे होती है, सबके अलग अलग होती है, बेबी शावर बोलते हैं जिसको, तो हमारे फैमिली में कैसे करते हैं वो आपको पूरा डिटेल में सारिका और मैं वीडियो बना के आपको कल दिखाएंगे, तो तैयारी हो रही है। ये लोग पप्पू लाला मासी और ये सब जो आए हैं ना, वो स्पेशली उनके लिए ही आए हैं यहाँ पे, तो वो उसका श्रीमंत है ना लाला भाई की वाइफ का, उसलिए। ओह माय गॉड, लुक एट द अमाउंट ऑफ थिंग, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, चाका जाम बना रहे हैं भाभी, देख लीजिए बना रहे हैं, ये पराठा की स्टाइल देख लीजिए, कल के जो वेजिटेबल बचे थे पापा लपेटना, लपेटो कल का चटनी बटनी बचा है ना सब लपेटना। चलिए तो अभी आपको दिखा ही देते हैं कि हमारे घर में जो है वो सारिका जी जो है ना, ओ हो एकदम हम बधु हम हूँ कहू प्रोफेशनल वर्जन में, घर पे से होटल खुल गई है, तीन चार दिन के लिए होटल में कैसा होता है, कल का बच्चा आज खा ले, वैसे ही जाने नहीं देते हाँ। तो क्या है, कल सैंडविच बनाई थी हाँ। तो वेजिटेबल वो स्टफिंग बचा था हाँ। तो आज स्टफ पराठे बना दिए, स्टफ पराठे अमेरिका वाला हो गए हैं, बराबर से बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो रोटी का आटा है, आटे का जो है जो भी है उसके अंदर ये जो वेजिटेबल है वो हम थोड़ा थोड़ा लपेटेंगे, और फिर हाँ थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख है नहीं वैसे, इसलिए ठीक है तो समा जाएंगे, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, लुक एट द नज़ाकत, पूरी की पूरी तावड़ी भर चुकी है, ओहो हो, ये एक खाए तो बठा एक भी नहीं खा पाऊंगा मैं, तो ऐसा लग रहा है, खाए तो कितना दिन भूख वैसे है नहीं मेरे को, घटे नहीं जरूर, घटवा दो भी, वो कट करके ओपन करके चीज डालेंगे वो सब डालेंगे, ओहो तो स्ट्रीट स्टाइल बनाया है, बहुत बढ़िया। तो यार आप लोग भी बना सकते हो ऐसे, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा मेहनत, ये जो वेजिटेबल कट करने का है वही है, उसके बाद तो सिर्फ ये दो है। तो आगे सैंडविच का प्लान बना दो तो थोड़ा ज्यादा ही कट करना है, क्योंकि दूसरे दिन ऑटोमेटिक ये प्लान हो ही जाएगा। तो जी बच चुके हैं 5:30 और हेजू आ चुकी है स्कूल से, हेजू हाउ आर यू, आई एम आस्किंग यू हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, बाय बाय, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दैट, दिस इज Pentagon, hexagon, what is that? Pentagon. Okay, we will ask our viewers, what is this? Is it a pentagon or hexagon? He is playing with the magnet ball since yesterday. उसको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे सास बहू क्या कर रहे हैं देखते हैं। सास बहू को देखने से पहले
हमारे पापा को देखिए, टैबलेट में मजा ही आ गया है। रामायण में कहाँ तक पहुँचे हो? हनुमान लंका में पहुँच गए हैं। ओके वेरी गुड। और यहाँ पे सास बहू कहाँ पहुँचे हैं? साड़ी की खातिरदारी में। साड़ी कल जाना है ना? हाँ, सिलेक्शन हो रहा है ना? सिलेक्शन करिए। ओके, ये देखिए साड़ी का भंडार है ना, पूरा का पूरा भंडार दिखा रहे हैं ना, सिलेक्शन हो रहे हैं ना। वेरी गुड। साड़ी ना भंडार तो वही ना, साड़ी पहनता है, साड़ी पहनता है तो वही ना। तो सास बहू को मैचिंग करना है, क्या करना है? ना भाई, मैं तो ड्रेस पहनूंगी। अच्छा, ड्रेस पहनोगे। कनिष्क को लेके जाना होगा ना, क्योंकि वो कनिष्क को क्या बोलते हैं, उसके खोड़े गोद में बिठाना होता है, वो रसम वसम सब दिखाएंगे। बने रहिए। चलिए, कनिष्क से याद आया, कनिष्क अभी क्या कर रहे हो दिखाते हैं। लुक एट दैट कनडी, व्हाट आर यू ईटिंग? ऑरेंज। ये देखो भाई, KGF बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। KGF थोड़ा हमारे लिए भी बनाए दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड जॉब, वेरी गुड। तो क्या है, KGF ने चाय छोड़ दी है, तो चाय के बदले में सुबेरे और शाम जूस चल रहा है। सुबेरे कभी कभी चाय पीते हैं, बट जूस ज्यादा चलता है। और यहाँ पे गणेश जी के मुंह में पानी आते हुए, और यहाँ से हमारे एक चीर दे ना, जो ये चीर उसको दे दे, निकाल के देख, ये खा गया है। तो गाइस, ये हो रहा है अभी किचन में, और बताना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया मात्रा में ग्रूमिंग करवा के आए हैं। थोड़ा बहुत आपको लगेगा, बट लेट्स सी, अगर नहीं लगा तो समझ जाइए कि तुम्हारा भाई अभी चकाचक होके आया है। 2 दिन के अंदर मेरे को एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है, बट उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट मेरी दिल्ली से है। अभी दिल्ली में फ्लाइट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो वीडियो आपने देखा होगा कि एक कैप्टन को एक बंदे ने दबा बम बमा बम हो गया है गुस्से में, क्योंकि वो 13 घंटे तक उसको बिठा के रखा था फ्लाइट के अंदर। और दिल्ली में प्रॉब्लम हो रहा है वो फॉग की वजह से, कि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो रही है, लैंडिंग नहीं हो रही है, तो डिले हो रही है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरे को अभी टेंशन है, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा अहमदाबाद से जाऊँगा दिल्ली, और दिल्ली से जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ पे। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, के प्रॉब्लम ना हो। फोन पे फोन आ रहे हैं, उठा के बाद में बात करते हैं। तो गाइज, आप लोग कलर देख सकते हो इसका, इतना बढ़िया लग के आ रहा है, क्या नजाकत है जी उसके साथ। ओ माय गॉड, इवनिंग हमारी हुई है। इसको ना बोलते हैं ना, वही पहले करना होता है। हेजू बहुत नटखट हो गई है। पापा को भी देना है? ओ माय गॉड, तो पापा भी आज तो जूस लपेटेंगे। चाय के ऊपर जूस कौन पीता है यार, ऐसा क्यों करने का? पापा यहाँ पे आ गए हैं, तो पापा लपेटेंगे। पापा पापा, गुड आफ्टरनून पापा, वेरी गुड आफ्टरनून। ये लो लो पापा, बोलो, ये जूस ले लो पापा, यहाँ रख दो, ले लो पापा, हाथ में ले लो, मुँह तो सफा कर लो, मुँह सफा कर लो पापा। और क्या है गाइस, अभी मैं गया था इनोवा का टायर दा, हमारा टायर पता नहीं क्या होता है ना, टायर में लोचा ही लग जाता है, तो ये चेंज हो गया है। कनडी बहुत बढ़िया। तो सारिका जी, तो ये आज सुबह ही लिया है और आज ही खत्म हो गया, सो आई लाइक इट। अरे कल उतारी झाड़ती, झाड़े उतारी आज फ्रेश, वाओ वेरी गुड। नहीं, सवारे उतारी डायरेक्ट लाया था काले। मार्केट में एक ग्लास अपने को कम से कम 25 या 30 रुपए में मिलता है। अरे 50 सही गया, 50 रुपए एक ग्लास। तो ये आया कितने में है? वो मम्मी लाए थे, पता है। मम्मी को पूछेंगे कि वो ऑरेंज लाया कितने में है। तो मम्मी, ऑरेंज का भाव कितना है? ऑरेंज का भाव 100 का 3 किलो। 100 का 3 किलो, तो 5 ग्लास निकल गया, 100 रुपए में 5 लोगों ने पी लिया। वाह क्या बात है, बधाई काटने का, 100 रुपए में 5 ग्लास। अने एकदम मीठू छे, सेकरीन वगर नु ऑरेंज ने, यानी माल्टा बोले, माल्टा माल्टा कहवाय। मने तो ऑरेंज देखा है, एकदम मीठा है, एकदम थोड़ा भी खट्टा नहीं है। तूने निकाला तो मीठा ही होगा ना? नहीं वैसा नहीं, हम लोग वो बाजार में पीते हैं ना, वो लोग सेकरीन डाल के देते हैं। हां ये सेकरीन बिगर का है, बिगर सेकरीन है। तो वेरी गुड, आई लाइक इट, चाका जाम। तो जी, बजने वाला है शाम के 7, और यहाँ पे हो चुकी है बच्चा पार्टी स्टार्ट। लुक एट दैट, बिस्किट के साथ खाखरा उपाड़ रहे हैं, और यहाँ पे हेजू इज डूइंग हर वेरी गुड होमवर्क। आई लाइक इट, आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाट इज द होमवर्क टुडे? छत, 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 छत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छत? व्हाट इज छत? छत मींस टेरेस, टेरेस, टेरेस मींस अगासी, ढाबू। तो वेरी गुड। और सारिका जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा हमारा दिन, क्या बोला? मेरा नाम है ना, चार नाम है। व्हाट इज योर 4 नेम? हेजल नट, हेजल पटेल, हेजल और हेजू। ओह माय गॉड, क्या निरीक्षण मारा है, क्या बात है, लेवल अप हो गया है। और मम्मी एज यूजुअल अपनी बुक में से भजन निकालते हुए, भजन के चैनल पे नया भजन आ चुका है, तो देखना मत भूलिएगा। और
तुम्हारी भजन की चैनल की क्या मैं वखाण करूं मम्मी, इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं एक साथ, टगला मोटे हो गया है। मेरे को लगता है सिल्वर बटन एक या दो महीने में आ ही जाएगा दूसरा वाला हमारे घर पे। तो थैंक यू सो मच, वी आर लाइकिंग इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मम्मी की भजन की चैनल सब्सक्राइब कर लो और भजन सुनो, मन खुश हो जाएगा। और मम्मी कुछ बोलना चाहते हो क्या? ना ना, बधाई हो, आभार। हाँ, सांभळे ने आभार, अने थोड़ो घणो तो उतरशे। यस यस, वेरी गुड। तो कल आजे गाये ने थोड़ो थोड़ो उतरे ने। हाँ, सांभळनारा ने उतरे। हाँ, घणो शीळ जाणवा मळे एम छे, आमाते तो शीखवा मळे छे। शीखवा मळे, दिल थी गा रहे तो एन्जॉय कर रहे हैं। और कल एक कमेंट आया था गाइस, बहुत बढ़िया सा, मम्मी ने गुजराती में पढ़ा है कि जयदीप भाई तमे एक व्लॉग मां मुंगारियो, मतलब जयदीप भाई एक वीडियो के अंदर आप बोले बिना रहो तो हम भूमिका के घर पे जाके 10,000 रुपए दे के आएंगे, ऐसी बोली लगी है। पहला 5,000 नी बोली लगाई थी, पण त्यारे मुंगा न रह्या जयदीप भाई। हां, हवे मुंगारियो ने त्या डबल थई जा है। ओके, तो लंडन रहू छु ने એટલે ભૂમિકા દીધી ને પહોંચાડી દીસ પૈસા। तो गाइस मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये बोली जब 10-15 लाख रुपए तक जाएगी ना, तब तक मैं सुनता रहूंगा और बाद में एक व्लॉग ऐसा बनाऊंगा कि स्पेशल मैं मूंगा रहूंगा और वो जो पैसा आएगा ना वो पैसा मैं दान करूंगा किसी को और वो वीडियो में डाल। दीदी ना कोई दान उसके भाई, मतलब दीदी भी दान करेगी कहीं पे, तो ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या ये हौसला आप मेरा बुलंद कर पाओगे? कमेंट कीजिए आज के बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो तुम्हारा भाई मूंगा रह जाएगा एक पूरे व्लॉग के लिए, म्यूट व्लॉग बनेगा और वो मूंगा व्लॉग इतना बढ़िया मूंगा व्लॉग होगा, मूंगा गूंगा बोल सकते कि हिंदी में क्या बोल पता नहीं, तो पूरा म्यूट व्लॉग और वो कॉमेडी व्लॉग बनाऊंगा जब तक ये पैसा डबल नहीं हो जाता, और वो स्पेशल डोनेशन पर्पज़ के लिए हम वीडियो बनाएंगे और वो डोनेशन ऐसा करेंगे कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। सो लेट्स सी अभी वो होता है कि नहीं होता है। तो मम्मी क्या बोलना चाहते हो? लंदन थी भाई छक बेन छे नहीं थी खबर, जो भी है कमेंट बढ़िया था। हां, कमेंट हारी सो, और उसने आईडिया बहुत अच्छा दिया, हंसू मन बहुत हंसू आयो पहला था। हां, तो भाई ऐसा है कि तुम्हारा भाई अगर हो जाएगा ना वो म्यूट तो लाखों लोगों के मुंह गिर जाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही एंड कर डालते हैं। कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाने वाला है। પણ હાથ એમને સીધો રાખે ને એવું બોલો, એવો લખો કોઈ, એટલે જયદીપ ના હાથ એમને બાંધ્યો રે, બધા એડિટ ન કરે, એડિટ ન કરે, એડિટ ન કરે। ચલી એનીવે, તો ગાઈઝ ઇસી કે સાથ યે વિડિયો એન્ડ કર ડાલતે હે। અચ્છા લગાઓ તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો, સબસ્ક્રાઇબ નહીં કિયા હે તો કરો, આજુબાજુ વાલોએ કો સબકો કરવાઓ। થેન્ક યુ સો મચ દિલ સે। યે જો સિલ્વર બટન હે ઉસકો હમકો ગોલ્ડન કરને કા હે ઓર મમ્મી કે ચેનલ મે સિલ્વર બટન લાને કા હે, तो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड एवरीथिंग। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।